राजा हरि सिंह की जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा होना कहीं ना कहीं ये जम्मू के डोगरों की जीत है, क्योंकि हर एक डोगरा चाहता था कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा हो। और मुझे लगता है कि हमें धन्यवाद करना चाहेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने इतना बड़ा तोहफा जो है जम्मू के डोगरों को दिया। ये जश्न आप साफ तौर से यहाँ पर देख सकते कि तमाम पत्रकार, तमाम संस्थाएं और यानी कि भाजपा के आदर्श शर्मिंदा रहना ने भी जो है यहाँ पर कांगड़ा डाला और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे जो है आज जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। दिवाली जैसा माहौल जो है आज जम्मू में देखा जा रहा है। यहाँ पर देखा हमने कि पत्रकारों के लिए यहाँ पर बात बोर्ड लगाया हुआ था कि मीडिया का बहुत अच्छा काम रहा, मीडिया जो इस बात को बहुत जो उठा रहा था, इस चीज को लेकर जो राजपूत युवा सभा जो है धन्यवाद कर रही थी। आज वह आज यहाँ पर आए, खुशी मना रहे, किस तरीके से पूरे सिस्टम को देखते हैं सुरेंद्र? देखिए जिस तरह से अगर युवा राजपूत सभा की मांग को कोई आगे लेकर गया है सरकार तक, अगर उनकी मांग किसी ने पहुंचाई है तो वो मीडिया था। जब यहाँ धारा 144 लागू थी, मुझे आपको भी यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन युवा राजपूत सभा के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह से ये लड़ाई लड़ रही थी युवा राजपूत सभा, इसके अंदर जो आम जनता है वो पिस रही थी। जब ये सड़क मार्ग जाम होते थे, जब पुलिस लाठीचार्ज करती थी, जब धारा 144 लगाई जाती थी, तो तमाम लोगों को परेशानी होती थी और आखिर छुट्टी देने में जो था वो फर्क क्या पड़ता था, एक ना एक दिन ये छुट्टी देनी थी और आज छुट्टी जो है वो दे दी गई है। और एलजी मनोज सिन्हा का धन्यवाद करना चाहेंगे, सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे और जिस तरह से युवा राजपूत सभा मीडिया का धन्यवाद करती है, बाकी लोगों का जो मुद्दे होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि हम जैसे आप जैसे पत्रकार जो है वो बाकी लोगों के मुद्दों को भी इसी तरह उठाएंगे जिस तरह से युवा राजपूत सभा के मुद्दे को उठाया और छुट्टी जो है वो घोषित हुई है। सुरेंद्र एक बार मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हम पत्रकार भी हैं, हमने पत्रकारिता भी किया, लेकिन बीइंग एज अ डोगरा आज मुझे खुशी है कि आज जिसकी वजह से हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, आज उन्हें आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली, क्योंकि हमने पत्रकारिता किया, पत्रकार के होने के बावजूद हम एक डोगरा भी हैं और डोगरा रियासत में हमने रहते हैं, इसलिए आज तमाम पत्रकार, तमाम संस्थाएं, तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आज ये जश्न मना रहे हो। जश्न आज तक नहीं बल्कि पूरे सालों साल ये जश्न जो है पूरा जम्मू जो है वो मनाएगा। पत्रकार बंधु भी जितने हैं वो भी जो है यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए और यहाँ पर क्या कह सकते किस तरीके से जो है जश्न मना रहा है। रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, रश्मि मैम भी यहाँ पर जो है डांस कर रहे थे, किस तरीके से रश्मि मैम भी यहाँ पर है और लगातार जो है मीडिया की तरफ से जो है लगातार ये जो है कवरेज दे रहे थे कि महाराजा हरि सिंह जी की जो है छुट्टी घोषित होनी चाहिए और आया कांग्रेस तक ये बात पहुँचाई, लेकिन आखिरकार मानना ही पड़ा हाल जी प्रशासन को। देखिए रश्मि मैम भी यहाँ पर जो है यहाँ पर डांस करते हुए देखिए खुशी जो मना रहे, देखिए ये भी जो देख पा रहे होंगे आप, पत्रकार भी यहाँ पर खुश और पत्रकार भी यहाँ पर जो है नृत्य यानी
डांस करते हुए, ये देखिए खुशी की माहौल, देखिए खुशी देखिए किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए पुष्प पहन कर जा रहे हैं यहाँ पर और मालाएं भी यहाँ पर पहनाई जा रही है। जो भी खुशी में हो सकता है वो सब चीजें जो है जम्मू वासी अभी जो कर रहे हैं और जम्मू के अंदर खुशी के लहर ये देख पा रहे हैं इस तरीके से जो है। प्लेटफॉर्म पे आकर जो है खुशी मना रहे हैं। सड़कों पर है तो लोग लगातार करप्शन को लेकर आवाज उठाते हैं, अब क्या उनके ऊपर भी आपसे ही जीत हासिल होगी? ये भी बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं कि जो मुद्दे आए दिन सड़कों पर है तो वो मुद्दे भी अभी प्रशासन जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। क्या उन मुद्दों के ऊपर भी एड्रेसिंग होगी? क्या उन मुद्दों के ऊपर भी ऐसा ही फैसला जो है किया जाएगा? देखने वाली है और आज उन लोगों को भी उम्मीद आई होगी कि जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी यहाँ पर घोषित की गई है उस तरीके से जो है हमारी भी मुश्किलात जो है वो हल होंगी, क्योंकि डेलीगेटर्स भी अपना संघर्ष कर रहे हैं डेली करप्शन को लेकर जो है बात होती है। और हमेशा जो हमने देखने को मिला सड़कों पर लोग होते हैं एल जी प्रशासन जो है मांग करते हैं, क्या प्रशासन उन सब चीजों को भी जो है एड्रेसिंग करेगा और उनके ऊपर भी काम करेगा? कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जगी है। और चलिए सर से बात करेंगे क्योंकि क्या कहेंगे सर, आज कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मारा पुत जड़ा जमया ना राजन सिंह अपी उन्हें कल दस छोड़ा कि डोगरें गी किन्ना कट्ठा कीता, सारे लोगें गी सारी पार्टियें गी अस आखना चाहने आ इले पुत जी दे घर होण उन्हें मां प्यो की फकर हुंदा है और अज डोगरा कौम की फकर है कि उन्दे बिच राजन सिंह आपी जी प्रधान युवा राजपूत सभा दा सामने आया और 75 साल दे बाद डोगरे दा पुनर्जन्म करवाया और महाराजा हरि सिंह दा नाम दोबारा जिंदा करवाया। एक गाना जो है हमेशा यहाँ पर गाया जा रहा था कि महाराज जी के पोते छुट्टी लेके छोड़ेंगे, तो आज क्या कहोगे उस गाने को? आज महाराज जी पोते लगा परदोत्रे भी छुट्टी ले जाएंगे। किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है खुशियाँ जो है मना रही है और यहाँ पर जो है लाइव इजेंट जो आपको देखने को मिल रहे हैं कि प्रधान जो है यहाँ पर है, एपी जी यहाँ पर है, किस तरीके से जो है इनका नाम ही एपी है और आज जो है खुशी जो है गाना जो है एक बड़ा यहाँ पर जो वायरल हुआ था महाराज जी जो पोते हैं छुट्टी लेके छोड़ांगे, तो आज क्या कहेंगे उसके ऊपर, किस तरीके से उस गाने का मॉडल किया गया? आज डोगरा जो पोता छुट्टी लेके छोड़ांगे यार डोगरे अज युवा राजपूत सभा नहीं जम्मू के डोगरे ही जीता इन बांग ही जीता बड़ा सा, तो साढ़े बड़े भरोसा रखो हम ये जम्मू कश्मीर बदल देंगे। ये जत रखियो देख सकते किस तरीके से जो है यहाँ पर नारे लगाते हुए हैप्पी प्रधान जिंदाबाद, देख सकते किस तरीके से जो आप जीत जो है हुई है राजपूत युवा सभा का संघर्ष जो है आज कहीं ना कहीं आज कामयाब हुआ है और आज वो खुशी की लहर जो उम्मीद वो आज खुशी में वो जो उम्मीद थी कि छुट्टी आएगी आज वो खुशी में आपको देख पा रहे किस तरीके से जो है खुशी आज जो लहर जो है यहाँ पर
खुशी की लहर देखकर ही आपको समझ आ गई होगी कि आज किस तरीके से लोग खुश हैं। लेकिन साथ ही में लाखों उम्मीदें जो और उठती हुई, जिस तरीके से जो है प्रधान हैप्पी जी ने भी कहा कि हम जो है जम्मू कश्मीर को बदल देंगे, क्या करप्शन जो है उसको लेकर भी जो है इस तरीके से जो है मांग उठेगी, और इसी तरीके से जो है जिस तरीके से डेली वेजर सड़कों पर है, जिस तरीके से और मुद्दे हैं, क्या उनके ऊपर भी एसजी प्रशासन इसी तरीके से जो है वो अपनी खुशी जाहिर करेगा और इसी तरीके से जो है खुशियां मनाएगा, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुद्दे हैं वो भी जो है इसी तरीके से खत्म होंगे, ये बड़ी बात है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, दीजिए सुरेंद्र परिहार को फिलहाल इजाजत, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल वन के लिए। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-6444-869.